हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट एंड नीश के बारे में। तो हैबिटेट मतलब क्या? तो इट इज़ अ प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, प्लेस ऑफ लिविंग मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज जहाँ रहती है उसे हैबिटेट कहते हैं। और नीश का मतलब क्या होता है? नीश या इसे नीच भी कहते हैं। नीश ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये ब्रिटिश लैंग्वेज में किया जाता है और अमेरिकन लैंग्वेज में इसे नीच कहा जाता है। तो आपको जो बोलना है नीश बोलो या नीच बोलो। ठीक, तो नीश क्या है? इट इज़ अ पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन द एनवायरनमेंट। मतलब कि जो नीश का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट में खुद सर्वाइव होने के लिए स्पीसीज की जो पोजीशन होती है उसे कहते हैं नीश। ठीक है, पोजीशन ऑफ स्पीसीज। तो अब हम क्या करते हैं कि हैबिटेट और नीश को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, हैबिटेट तो जो हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उसमें हैबिटेट मतलब उस ऑर्गेनिज्म का पोस्टल एड्रेस, और नीश का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन। ठीक है ना। तो अ प्लेस और एरिया वेयर पर्टिकुलर स्पीसीज लिव्स इंटरैक्ट विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर। मतलब हैबिटेट क्या है? एक प्लेस है या एरिया है जहाँ पे वो स्पीसीज रहती है और दूसरे फैक्टर्स के साथ में वो इंटरैक्ट भी करती है और उनकी उन्नति भी होती है, प्रॉस्पर यानी उन्नति। ठीक है ना। तो दैट इज़ द हैबिटेट। मतलब हैबिटेट का मतलब क्या होगा? इट इज़ अ फिजिकल स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ अदर लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स। मतलब एक फिजिकल स्पेस है उस ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ में रहता है। तो दैट इज़ द हैबिटेट। ये समझ में आ गया? अनिश इज़ अ कंसेप्ट। निश एक ऐसा कंसेप्ट है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और सर्वाइव्स इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब नीश एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिससे हमें पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसे रहता है, कैसे सर्वाइव होता है। ठीक है ना। और ये जो टर्म है, दिस टर्म डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट। मतलब उसका जो फंक्शनल रोल है एनवायरमेंट में वो कैसे प्ले करता है, दैट इज़ द उसे कहते हैं नीश। ठीक है ना। नीश इज़ डिस्क्राइब एज अ पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन द एनवायरमेंट। नीश क्या डिस्क्राइब करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की पोजिशन क्या है उस एनवायरमेंट में, ये डिस्क्राइब करता है ना। मतलब कि व्हाट दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, वो उनके सर्वाइवल के लिए क्या कर सकते हैं। हाउ दे फुलफिल देयर नीड्स ऑफ शेल्टर फूड। मतलब हम उनके जो नीड्स होते हैं शेल्टर और फूड के लिए, वो नीड्स कैसे फुलफिल करते हैं, दैट डिस्क्राइब द नीश। समझ में आ गया। अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीशेस। हैबिटेट में बहुत सारे नीशेस हो सकते हैं, बट नीशेस डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स। लेकिन नीशेस में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। मतलब क्या कि हैबिटेट में बहुत सारे नीशेस होते हैं। मतलब क्या कि एक ही हैबिटेट में अलग अलग टाइप के स्पीसीज रह सकते हैं, लेकिन एक स्पीसीज मतलब जो स्पेसिफिक स्पीसीज होती है उसमें ऐसा कुछ अलग
नहीं, कोई भी अलग कंपोनेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देन अबायोटिक फैक्टर्स लाइक सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एनुअल टेम्परेचर्स, टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हैबिटेट में इन सब चीज़ों के वजह से कुछ चेंज आ जाती है तो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस यहाँ पे अफेक्ट करता है, मतलब ऑर्गेनिज़म्स पे इसका इफेक्ट होता है। और निशेष में भी वही बोल सकते हैं हम लोग कि बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट। यहाँ पे जैसे बायोटिक फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीडेटर है या फिर पैथोजेन है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या कॉम्पिटिटर है। सपोज़ बायोटिक फैक्टर में अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्पिटिटर, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर है तो नीश में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज़म्स है, सपोज़ दो स्पीसीज है, ए स्पीसीज़ बोलेंगे हम या बी स्पीसीज़, ठीक है। तो दोनों स्पीसीज़ में एक ही चीज़ के लिए अगर कंपटीशन हो रहा है तो दैट अफेक्ट्स दैट ऑर्गेनिज़म। और अबायोटिक फैक्टर्स लाइक सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, वाटर, एल्टीट्यूड, डेप्थ, ये सब भी अफेक्ट करते हैं। तो इसे हम लोग ना बाद में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देन निशेष में क्या दिखाई देता है कि देर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू इकोसिस्टम। तो निशेष में ये दिखाई देता है, जैसे हैबिटेट में नहीं दिखाई देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जो प्रोड्यूसर मतलब घास है ना, अगर घास में मंजे गवत, ठीक है, तो घास खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल रैबिट, रैबिट के ऊपर डिपेंड करते हैं स्नेक्स, स्नेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ईगल, मतलब ये एक दूसरे को खाने वाले ऑर्गेनिज़म्स है। तो इससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब रैबिट की स्पीसीज अलग है, देन स्नेक्स ये अलग स्पीसीज है, और बर्ड्स में ईगल की अलग स्पीसीज है। तो ये तीनों स्पीसीज है ना, इनका जो रोल है वो अलग अलग है ना, फंक्शनल रोल अलग अलग है तीनों का, मतलब उनका नीश अलग अलग है ना। रैबिट का अपना एक नीश होगा, उनका अपना एक फंक्शनल रोल होगा, उनका अपना एक जीने का अलग तरीका होगा। स्नेक्स एक अलग स्पीसीज है तो उनका एक फंक्शनल रोल अलग होगा, उनका जीने का तरीका अलग होगा, है ना। और ईगल्स जो है वो अलग स्पीसीज है तो उनका अपना अलग रोल होगा और जीने का तरीका अलग होगा। तो नीश समझ में आ गया ना कि इस तरह से नीश जो है इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होते फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, ठीक है। देन हैबिटेट इज अ सॉरी हैबिटेट सपोर्ट्स न्यूमरस स्पीसीज एट अ टाइम। हैबिटेट एक ही समय में अलग अलग स्पीसीज को सपोर्ट करता है, एक हैबिटेट में अलग अलग स्पीसीज रह सकती है। सपोज एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक पॉन्ड है, तो वहाँ पे फ्रॉग भी रहेंगे, फिशेज भी रहेंगे, है ना। तो हैबिटेट अलग अलग स्पीसीज को एक ही समय में सपोर्ट कर सकती है, लेकिन नीच सपोर्ट्स सिंगल स्पीसीज एट अ टाइम। नीच एक समय में एक ही स्पीसीज को सपोर्ट करती है, जैसे फिश है तो फिश का अपना अलग नीच है, वो फ्रॉग को सपोर्ट नहीं करेंगी, है ना। फिशेस अपने तरीके से जिएंगे, फ्रॉग्स अपने तरीके से जिएंगे। सो नीच डू नॉट सपोर्ट नीश सपोर्ट सिंगल स्पीसीज एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैबिटेट इज अ फिजिकल प्लेस। हैबिटेट एक फिजिकल स्पेस है ऑर्गेनिजम्स का, और इसके एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, आर्बोरियल हैबिटेट, एरियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज पॉन्ड, रिवर, ओशन।
लेकिन नीश इज़ एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म। नीश क्या है? एक एक्टिविटी है। हैबिटेट क्या है? फिजिकल प्लेस है। लेकिन नीश क्या है? एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, मतलब कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे वो सर्वाइवल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनके नीड्स जो शेल्टर के लिए, फूड के लिए उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए वो कैसे एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द नीश। ठीक है ना। हैबिटेट इज़ नॉट स्पीसी स्पेसिफिक। हैबिटेट स्पीसी स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि हैबिटेट सपोर्ट्स न्यूमरस स्पीसीज एट अ टाइम। हैबिटेट में एक साथ बहुत सारी स्पीसीज रह सकती है, सो ये स्पेशल नहीं होंगे, खास नहीं होंगे। हैबिटेट स्पेशल नहीं होगा हर स्पीसीज के लिए, मतलब फिशेज के लिए एक अलग हैबिटेट, वहाँ पे और कोई नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में और भी ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, तो इट इज़ नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। ये स्पीसीज के लिए स्पेशल नहीं होता है, लेकिन नीश इज अ स्पीसी स्पेसिफिक। नीश स्पीसी स्पेसिफिक होता है क्योंकि उनका अपना एक दायरा होता है, उसी के अंदर वे अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रैबिट घास खाता है, कैरेट खाता है, लेकिन स्नेक घास खाता है क्या? नहीं। उसका अपना एक रोल है एनवायरनमेंट में। स्नेक का अलग रोल है और रैबिट का अलग रोल है। सो नीश स्पीसी स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स बिटवीन नीश एंड हैबिटेट। तो नीश को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। द टर्म नीश वॉज गिवन बाय और फर्स्ट टाइम यूज बाय जे ग्रीनेल। ठीक है। जे ग्रीनेल ये जो साइंटिस्ट है, दिस टर्म वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय जे ग्रीनेल। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले नीश की टर्म यूज़ की थी। तो अभी अभी हमने देखा है कि नीश का मतलब क्या होता है, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हम जोड़ेंगे कि नीश जो अगर नीश एज सून एज द नीश इज लेफ्ट वैकेंट अदर ऑर्गेनिज्म फिल दैट पोजीशन। मतलब अगर नीश वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसकी जगह दूसरे ऑर्गेनिज़म्स ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर नीश वैकेंट हो जाता है तो अदर ऑर्गेनिज़म्स फील दैट पोजीशन, तो उसकी पोजीशन दूसरे ऑर्गेनिज़म ले लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि नीश जो है ना वो स्पीसी स्पेसिफिक होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग स्पीसीज एक ही नीश शेयर नहीं कर सकती है। मतलब नो टू स्पीसीज कैन शेयर द सेम नीश। ठीक है ना। इफ स्पीसीज क्रिएट्स इट्स ओन यूनिक नीश, इट वुड हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन। तो अगर स्पीसीज यूनिक नीश क्रिएट करती है, जब स्पीसीज अपना यूनिक नीश क्रिएट करती है, तो इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस कंपटीशन। तो ऑर्गेनिज्म का कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं बर्ड्स में। ठीक है। अब बर्ड्स यानी अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं कि हाउ दीज बर्ड्स डिफर इन देयर ईटिंग हैबिट्स, है ना। मतलब इन बर्ड्स का डिफरेंट ईटिंग हैबिट होता है।
है ना, अलग अलग बर्ड्स का ईटिंग हैबिट अलग अलग होता है। मतलब क्या कि सम बर्ड्स ईट ओनली इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं, सम ईट ओनली फ्रूट्स, कुछ बर्ड्स सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, सम कैन ईट बोथ, मतलब कुछ बर्ड्स इंसेक्ट्स भी खाते हैं फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके सामने आने वाली कोई भी चीज़ वो खा लेते हैं, और एनीथिंग दे कम अक्रॉस, ठीक है। तो सब बर्ड्स में अगर कुछ बर्ड्स अगर इंसेक्ट खाने वाले हैं, कुछ बर्ड्स फ्रूट्स खाने वाले हैं, तो ये दो बर्ड्स अपने अपने निश में खुश है, इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब कुछ बर्ड्स ने अपना यूनिक निश क्रिएट कर लिया है कि वो सिर्फ इंसेक्ट्स ही खाएंगे, है ना। तो ये सारे बर्ड्स एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, बट दे डिफर इन देयर निशेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, दे लिव इन सेम हैबिटेट, बट डिफर इन देयर निशेस, लेकिन उनके निशेस कैसे हैं, अलग अलग है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईटिंग हैबिट, लेकिन उनका ईटिंग हैबिट कैसा है, अलग अलग है। तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन रिड्यूस होगा, और ये जो स्पीसीज है, बर्ड्स की स्पीसीज, ये सर्वाइव हो पाएंगी, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नीचेस आर फाउंड, तीन टाइप्स है नीचेस के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नीचेस, स्पैटियल और हैबिटेट निश, ट्रॉपिक निश, मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निश। तो अभी स्पैटियल और हैबिटेट निश क्या होता है, तो इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस, ये फिजिकल स्पेस से रिलेटेड होता है, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना फिजिकल स्पेस होगा उस हिसाब से वहाँ पे निश क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, फिजिकल स्पेस मतलब हैबिटेट निश। अब ट्रॉपिक निश मतलब क्या होगा, तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, मतलब ये होता है एट द ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। मतलब कि जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब एक प्रकार की घास हम बोल सकते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स पे जीने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे डियर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर पे जीने वाले होते हैं अदर एनिमल, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, प्रोड्यूसर इज द ग्रास, ग्रास, देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड ए रैबिट, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ए स्नेक, और टर्शरी कंज्यूमर एंड ए ईगल। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। एक फूड चेन है जो एक के ऊपर एक ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो दैट इज़ द ट्रॉपिक निश। अब हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निश क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं
एक से ज़्यादा फैक्टर्स अगर इंक्लूड होते हैं तो उसे बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल नीश, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिए कि एक ऑर्गेनिज्म है जो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है और इस ऑर्गेनिज्म पे ये अलग अलग फैक्टर्स, जैसे फैक्टर्स उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे डेप्थ है, अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, वाटर, ये फैक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को तो उसे बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल नीश, ठीक है। द टर्म मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीश वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज बाय जूलॉजिस्ट हचिनसन। तो ये जो टर्म है ये सबसे पहले हचिनसन ने पॉपुलराइज की। सो धिस नीश इज ऑल्सो कॉल्ड हचिनसोनियन नीश। तो इस नीश को हचिनसोनियन नीश भी कहते हैं। तो धिस मल्टी डायमेंशनल नीश कंसिडर्स सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बायोटिक फैक्टर भी आते हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं। तो ये जो बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर से जो स्पेस इंक्लूड की जाती है उसे कहते हैं हाइपर वॉल्यूम नीश। मीन्स Alternatively, it is the position of an organism in the environment, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे, सो हचिनसोनियन नीश मल्टी डायमेंशनल नीश कंसिडर टू फैक्टर्स, दैट इज द बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, कॉम्पिटिटर आता है, मतलब इस स्पेसिफिक एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके कॉम्पिटिशन में और कोई भी आ सकता है। देन प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या है कि जो इस स्पीसीज को, इस एरिया में रहने वाले स्पीसीज को खा सकता है। और पैथोजन क्या है, तो इस स्पीसीज को डिसीज कॉज कर सकता है। तो ये बायोटिक फैक्टर हो गए। अबायोटिक फैक्टर जिससे इस ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट होगा वो हो गया डेप्थ, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, वाटर, ये है अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड हाइपर वॉल्यूम नीश, है ना। तो मतलब अल्टरनेटिवली हम क्या बोल सकते हैं, पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। मतलब इस ऑर्गेनिज्म की पोजिशन एनवायरमेंट में, जो पोजिशन है ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूम नीश। और ये जो पोजिशन है because of some change in abiotic factors, अगर इन abiotic factors में कुछ भी चेंज आता है through space और time, तो इस organism की position change हो सकती है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करते हैं कि इस एरिया में दो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, एक ए ऑर्गेनिज्म और दूसरा बी ऑर्गेनिज्म। समझो ए ऑर्गेनिज्म और बी ऑर्गेनिज्म दोनों को एक जैसा ही फूड चाहिए, तो क्या होगा, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है।
इन दोनों में कंपटीशन होगा, और जो इसमें उस एनवायरनमेंट को सही तरीके से अडाप्ट कर लेगा वही ज़िंदा बचेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो इस कंपटीशन में पीछे छूट जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सर्वाइव होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और इवोल्यूशन में मदद करेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसे ये जो फैक्टर्स है ये इस स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए समझो, टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता है तो इसमें से जो भी स्पीसीज है जो इस टेम्परेचर को झेल सकती है वो स्पीसीज बचेगी, और नहीं झेल सकती है तो उस स्पीसीज की क्या होगी, वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं होंगी, ठीक है। देन वाटर अगर कम हो जाता है, जैसे अभी स्पेसिफिक सपोज हम समझ सकते हैं कि इस एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल फिश है और टॉर्टोइस है, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म अगर फिश उस एरिया में एक्वेटिक एरिया में रह रही है, अगर वहाँ का पानी कम हो जाता है तो फिश ज़िंदा बचेगी या टॉर्टोइस ज़िंदा बचेगा? टॉर्टोइस ज़िंदा बचेगा। मतलब कि वाटर कितने वाटर की कितने प्रमाण में वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से भी वहाँ पे रहने वाले स्पीसीज को अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। सपोज़ एक टेरेस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सनलाइट अगर कम ज़्यादा होता है तो वहाँ के रहने वाले जो स्पीसीज है प्लांट वेजिटेशन जो है उस पर भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, उस पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है उसका। तो इस तरह से ये सारे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उसके पोजिशन में चेंज भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइपर वॉल्यूम नीश, ठीक है। सो फॉर एवरी स्पीसीज देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीशेस, फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज्ड नीश, ठीक है। तो फंडामेंटल नीश मतलब क्या, कि इट इज़ इन अब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स, मतलब वहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर उनका नहीं होगा, बट इट इज़ इम्प्रोबेबल इन नेचर, ऐसा हो नहीं सकता। इम्प्रोबेबल मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए कॉम्पिटिटर होता ही है, ठीक है। तो फंडामेंटल नीश समझ में आ गया कि जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसे बोलेंगे फंडामेंटल नीश, मगर ऐसा होता नहीं है। सो रियलाइज नीश इज द रियल, ये रियल होता है एंड इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स के प्रेजेंट में जो नीश होता है उसे रियलाइज नीश बोलते हैं, एंड कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्स अवेलेबल इन द हैबिटेट, और हैबिटेट में रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होता ही है। रिसोर्स मतलब कि अगर फूड है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सारे रिसोर्सेस के लिए कॉम्पिटिशन हैबिटेट में होता ही है, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइज्ड नीश, रियल नीश, ओके।